हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी शेल डू नाइन्थ चैप्टर ऑफ लिटरेचर. दिस इज अ पोएम आवर ट्री एंड द पोएट इज डेविड हार्मर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द प्री रीडिंग टास्क क्वेश्चंस. हैव यू ऑब्जर्व द ट्री ग्रो? डज इट ग्रो क्विकली और टेक लॉन्ग टाइम टू ग्रो? क्या आपने कभी पेड़ों को बढ़ते हुए देखा है? अब आप क्या वो एकदम बढ़ जाते हैं? हमने आज पौधा लगाया, कल वो हमें फ्रूट देने लग जाएगा. इज इट पॉसिबल? नो. यस, आई हैव ऑब्जर्व मैनी ट्रीज टू ग्रो. इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू ग्रो. कोई भी पेड़ जो है वो बड़ा होने में टाइम लेता है. ठीक है. लिस्ट द थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज. ट्री से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? क्या क्या चीज़ें मिलती? ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, वुड, मेडिसिन, पेपर, फूड, ऑयल. ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज. वाई डू वी कट ट्रीज? हम पेड़ों को क्यों काटते हैं? किस लिए काटते हैं? वी कट ट्रीज टू गेट वुड, पेपर, मेडिसिन एंड मैनी अदर थिंग्स. इन सब चीज़ों को लेने के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं. इज इट गुड टू कट ट्रीज? क्या पेड़ों को काटना अच्छा होता है? नो, इट इज़ नॉट गुड टू कट ट्रीज बिकॉज कटिंग ऑफ ट्रीज इम्बैलेंसेज द इकोलॉजिकल सिस्टम. इससे क्या होता है, हम पेड़ों को लगातार काटते जाएंगे तो क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो खराब होता जाएगा, वो बिगड़ता चला जाएगा. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्री रीडिंग टास्क. नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. लेट अस डू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पोएम. इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर ए ट्री टू ग्रो, सो मेनी ईयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई. लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स. ईयर्स ड्रिफ्ट बाय, फॉल लाइक लीव्स, फ्रॉम ग्रीन टू येलो देन बैक टू ग्रीन. सिंस माई ग्रैंड डैड वॉज अ बॉय एंड देन बिफोर हिज फादर्स फादर, देयर हैज बीन एन एल्म आउटसाइड आर स्कूल. इट्स शेडो लॉन्ग अक्रॉस आर प्ले ग्राउंड. टूडे थ्री मैन रिप्ड इट डाउन, चॉप्ड इट अप. इट टुक 10 मिनट्स. दिस इज हाउ वी रिसाइट द पोएम. नाउ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द पोएम सेज टू अस. इस पोएम में पोएट हमें क्या कहता है? इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज. की ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है पोएट हमें बताता है. ही सेज दैट अ ट्री टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू ग्रो. कहता है कि ट्री जो है बड़ा होने में बहुत लंबा टाइम लेता है. इट टेक्स सो मेनी ईयर्स फॉर इट्स ब्रांचेस टू ग्रो. इसकी ब्रांचेस को बढ़ने में बड़ा लंबा टाइम लगता है. एवरी ईयर द सीजन चेंजेस. सीजन चेंज होते हैं. द लीव शेड ऑफ एंड टर्न फ्रॉम ग्रीन टू येलो देन बैक टू ग्रीन. पेड़ के जो पत्ते होते हैं हरे से पीले हो जाते हैं, पीले से फिर हरे हो जाते हैं. इस तरह बहुत लंबा टाइम लगता है पेड़ को ग्रो होने में. द पोइट सेज दैट सिंस द टाइम ऑफ पोइट्स ग्रैंड डैड. अब पोइट जो है अपने परदादा के समय में एक ट्री के बारे में बताता है. क्या कहता है? पोइट सेज दैट सिंस द टाइम ऑफ पोइट्स ग्रैंड डैड देयर हैड बीन एन एल्म आउटसाइड ए स्कूल हुज शेडो कुड बी सीन अक्रॉस द प्ले ग्राउंड. पोएट कहता है कि उसके परदादा के समय से उनके स्कूल के बाहर एक बहुत चौड़ी पत्ती वाला एल्म ट्री को, बड़े छोटे छोटे पत्तों वाला एक पेड़ था जिसकी परछाई, जिसकी शेडो जो है उनके स्कूल के प्ले ग्राउंड में पड़ती थी. बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, थ्री मैन केम एंड चॉप्ड ऑफ द ट्री. उसने क्या किया, तीन आदमी आए और उन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर उस पेड़ को काट दिया. द पोइट फेल्ट वेरी सैड. पोइट को बहुत दुख हुआ. वेन ही सॉ दैट द ट्री विच टुक सो मेनी ईयर्स टू ग्रो हैड बीन चॉप्ड ऑफ इन 10 मिनट्स. उसको इस बात का बहुत दुख लगा कि जिस पेड़ को बढ़ने में इतने साल लगे थे उसको काटने में सिर्फ तीन आदमी ने 10 मिनट में उस पेड़ को पूरी तरह से काट दिया. नाउ वी विल कम ऑन पेज नंबर 52. 52 पेज के ऊपर हमें पोएम को अंडरस्टैंड करते हुए ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. अ ट्री टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो. फॉर मेनी ईयर्स द ट्रंक ऑफ द ट्री पुशेस द स्काई टू ग्रो हायर एंड हायर. द ब्रांचेस ग्रो लॉन्ग एज इफ दे वर स्ट्रेच्ड देयर आर्म्स एंड वुडन फिंगर्स. विद एवरी ईयर
The seasons change and the tree leaves also change from green to yellow and then from yellow to green. Since the time of Speaker's grandfather's father, there had been an elm outside his school whose shadow could be seen across the playground. The Speaker felt sad when this tree was chopped off by some man within 10 minutes. This is the A part of the poem given on page number 52. अब मैं आपके इसके लिए आपको PDF भी भेज रही हूँ. इसमें आपको PDF से बुक में पेज नंबर 52 पर काम करना है और जो PDF में एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आपको अपनी लिटरेचर की नोटबुक में लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाय.